एक ऐसी नगरी जो अपने मशहूर और चमकदार हीरों की वजह से भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में विख्यात है। एक ऐसी नगरी जिसके शासक ने मुगलों को नाकों चने चबवा दिए। एक ऐसी नगरी जिसका राज परिवार बीते दो दशकों से एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां की कद्दावर नेत्री कुसुम मेहंदेले अब लगभग मार्गदर्शक मंडल में शुमार हो चुकी हैं, और एक ऐसी नगरी जहां विराजमान हैं साक्षात जुगल किशोर। यानी आज राजपाट के अंतर्गत हम बात करेंगे विधानसभा क्षेत्र 60 यानी पन्ना की। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में राजपाट का स्पेशल सेगमेंट विधान पत्र, और मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। तो विधान पत्र में चलिए बात कर लेते हैं पन्ना क्षेत्र के भौगोलिक जो ढांचा है उसकी बात करें, यहाँ के पर्यटक स्थलों की बात की जाए, और पन्ना आखिरकार किस बात के लिए मशहूर है इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। पन्ना जिले की तीन विधानसभाओं में से एक पन्ना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संपूर्ण अजयगढ़ तहसील और पन्ना तहसील का कुछ हिस्सा समाहित है। ये क्षेत्र खजुराहो लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। बलदेव जी मंदिर, जुगल किशोर मंदिर, राम जानकी मंदिर, प्राणनाथ जी मंदिर, पांडव फॉल, बृहस्पति कुंड, अजयगढ़ का किला और NMDC तथा पन्ना टाइगर रिजर्व इस विधानसभा क्षेत्र को एक भरपूर पर्यटक केंद्र बनाते हैं। मंदिरों की भरमार होने से ये पन्ना धाम भी कहलाता है, साथ ही प्रणामी या धामी संप्रदाय के लोगों से भी इसकी पहचान है। एशिया की एकमात्र हीरा खदान भी यहीं पर है। वैसे देखा जाए तो पन्ना का नाम पुराणों और इतिहास में भी दर्ज है। इसका उल्लेख विष्णु पुराण और पद्म पुराण में किलकिल प्रदेश के तौर पर आता है। ये वाकाटक वंश की उत्पत्ति का स्थल है। नागवंश की कुलदेवी पद्मावती किलकिला नदी के किनारे विराजमान है, और इसके ही कारण इसका नाम पहले पद्मा और बाद में परना, झिरना और कालांतर में पन्ना हो गया। पंडवन में पटना, व्यारमा और मिडासन का संगम है। के नदी भी यहां से गुजरती है। विधान पत्र में अब बात होगी मतदाताओं की। अगर मतदाताओं की बात करें तो पन्ना विधानसभा क्षेत्र OBC की बहुलता वाला क्षेत्र है, और यहां पर उनके वोट बैंक को साधने की कवायद करनी पड़ती है। हालांकि ब्राह्मण वोट बैंक को भी कमजोर नहीं आंका जा सकता। ।2018 में लगभग 2,30,000 मतदाता थे, जो कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बढ़कर 2,46,000 के आंकड़े तक पहुंच सकते हैं। इनमें लगभग 1,30,000 पुरुष और 1,15,000 महिला मतदाता होंगे। ब्राह्मण और ओबीसी का समीकरण अगर जम गया तो प्रत्याशी डंके की चोट पर चुनाव जीत सकता है। इसके अलावा क्षेत्रीय वोटर लोधी, कुर्मी, यादव, अनुसूचित जाति और ब्राह्मण को साधना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि बसपा का अपना खुद का हार्डकोर मतदाता है जो इकट्ठा वोट करता है। प्रणामी संप्रदाय की संख्या कम है और ये भाजपा का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। विधान पत्र में चलिए अब बात कर लेते हैं पिछले चुनाव परिणामों की। पिछले चुनाव परिणामों की अगर बात की जाए तो 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की तेज तर्राट और कद्दावर नेता रही और मध्य प्रदेश कैबिनेट में मंत्री रही कुसुम मेहंदेले का टिकट काट दिया था, और पवई से बृजेंद्र सिंह को उठाकर पन्ना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़वाया था। हालांकि इस वजह से बृजेंद्र सिंह को भितरघात का सामना करना पड़ा था, लेकिन कुसुम मेहंदेले के रूखे बर्ताव से खफा लोगों ने बृजेंद्र सिंह को चुनने में कोताही नहीं की, और बृजेंद्र सिंह चुनाव जीतकर सरकार में मंत्री बने। इनके मुकाबले में कांग्रेस के शिवजीत सिंह भैया राजा थे, जो कि 20,000 वोटों से बुरी तरह हारे थे। इसके पूर्व कुसुम मेहंदेले भाजपा से और 2008 में कांग्रेस के श्रीकांत दुबे ने कुसुम मेहंदेले को हराकर जीत दर्ज की थी, जो कि बड़ा करीबी मुकाबला बना था। पन्ना राजघराने के लोकेंद्र सिंह भी पूर्व में दो बार इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। चलिए अब मुद्दों की बात कर लेते हैं। बहुमूल्य हीरों की खदान और बाघों के लिए पूरे विश्व में जाने जाने वाला पन्ना क्षेत्र आज भी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार बना हुआ है।
गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण और पलायन से आज भी क्षेत्र की बड़ी आबादी जूझ रही है। एनएमडीसी हीरा खदान पर्यावरण की स्वीकृति न मिल पाने से फिलहाल बंद हो गई थी। सीमेंट कंपनी में रोजगार का न मिलना, हीरा खदानों के पट्टे और पर्यटन का समुचित विकास न होने से क्षेत्र अछूता सा है। मंदिरों की नगरी होने के बावजूद पर्याप्त आवागमन के साधन अभी तक विकसित नहीं हो पाए हैं। पहाड़ी एरिया होने से रेलवे लाइन है नहीं और हवाई अड्डे की कोई चर्चा भी नहीं है। यही वजह है कि पर्यटकों को 70 किलोमीटर छतरपुर या फिर 70 किलोमीटर दूसरी तरफ सतना से सड़क मार्ग से होकर आना पड़ता है। घनी बस्ती होने की वजह से गंदगी, संकीर्णता भी एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि हीरा खदान को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने से हजारों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जगी है, लेकिन ये कब तक होगा कुछ भी कहना मुश्किल है। यानी कि इस बार के चुनाव में एक बार फिर से यही मुद्दे गर्मा सकते हैं। चलिए बात होगी दावेदारों की, यानी कि विधानसभा चुनाव 2023 में आखिरकार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों से कौन कौन दावेदार हैं। सबसे पहले बात भारतीय जनता पार्टी की कर लेते हैं। वर्तमान में पन्ना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र सिंह की स्थिति फिलहाल काफी मजबूत मानी जा रही है। लेकिन अगर पार्टी चेहरा बदलने का सोचती है और ब्राह्मण कार्ड खेलने का मन बनाती है तो इस सूची में वर्तमान पार्षद बबलू पाठक का नाम आगे आता है। आरएसएस के करीबी और निर्दलीय चुनाव लड़कर 23,000 वोट बटोरने वाले बबलू पाठक को कद्दावर ब्राह्मण चेहरा माना जा रहा है। हालांकि पन्ना के पूर्व जिलाध्यक्ष सतानंद गौतम की भी आरएसएस और संगठन में अच्छी पकड़ है, तो वही अपने तीखे तेवरों के लिए मशहूर और बगावती तेवर के लिए विवादित संजय नगायज भी दावेदारी कर सकते हैं। बात अगर कांग्रेस की हो तो पूर्व विधायक श्रीकांत दुबे की छवि बेहतर है और वे प्रमुख दावेदारों में से एक हैं। वहीं पीसी मेंबर श्रीकांत दीक्षित भी सक्रिय राजनीति में हैं और टिकट के प्रबल दावेदार हैं। पार्टी में जिलाध्यक्ष की भूमिका निभा रहे शिवजीत सिंह भैया राजा पिछला चुनाव लगभग 20,000 वोटों से हारे थे। हालांकि पार्टी के अलावा उनका खुद का वोट बैंक भी है, लेकिन इतनी करारी हार के बाद टिकट रिपीट होना थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। कांग्रेस नेता भरत मिलन पांडे ने अपने पुत्र सचिन पांडे के लिए पुरजोर प्रयास शुरू कर दिए हैं, तो वहीं पूर्व जिलाध्यक्ष दिव्या रानी भी टिकट की होड़ में हैं। वहीं अगर बहुजन समाज पार्टी से बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी मौका देखकर टिकट देने में यकीन करती है। यानी कि दावेदार तो तमाम हैं, लेकिन जो प्रत्याशी दमखम वाला होगा, पैसे वाला होगा, उसी को लास्ट में टिकट देकर मैदान में उतारा जाएगा। पन्ना विधानसभा में से किसी भी पार्टी से महेंद्र पाल वर्मा चुनाव लड़ सकते हैं, जो कि लगातार 3 पंचवर्षीय से चुनाव में सक्रिय हैं और बहुजन समाज पार्टी से भी चुनाव लड़ चुके हैं। अनुपमा चरण सिंह यादव, जो कि बसपा से चुनाव लड़ चुकी हैं, इस बार भी पन्ना से किस्मत आजमा सकती हैं, जो कि कारोबारी हैं और बाहुबली तथा यूपी के नेता हैं। दशरथ यादव समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि बाकी पार्टियों की दावेदारी या उनकी जीत उतनी ज्यादा मजबूत यहां पर नजर नहीं आती, क्योंकि हमेशा से ही यहां पर कांग्रेस और भाजपा में ही टक्कर देखने को मिली है। गौरतलब है कि इस बार आम आदमी पार्टी भी पन्ना से प्रत्याशी उतार सकती है। देखना यह होगा कि आखिरकार पन्ना से आम आदमी पार्टी से किसे टिकट का दावेदार माना जा रहा है। तो महाराजा छत्रसाल की राजधानी पन्ना, यानी कि पन्ना विधानसभा क्षेत्र में आने वाले लगभग 4 महीनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन जीत का सेहरा बांध कर आएगा और किसकी किस्मत पलटेगी। हालांकि यहां के प्रत्याशियों की किस्मत पलट सकती है, लेकिन पन्ना विधानसभा क्षेत्र की किस्मत पलटने में फिलहाल अभी बहुत समय है। कब तक किस्मत बदलेगी ये ना तो जनप्रतिनिधि जानते हैं और ना ही यहाँ की जनता। जनता अभी भी मजबूर है अपने जनप्रतिनिधियों के हाथों का शिकार होने की और साथ ही साथ जो स्थिति है वो स्थिति को महसूस करने की। आप लगातार बने रहिए पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार के साथ और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम राजपाट, जिसके अंतर्गत विधान पत्र के माध्यम से हम मध्य प्रदेश की तमाम विधानसभाओं का हाल आप तक पहुंचा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।